दोस्तों जैसा कि आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर, जो कुछ भी हैक कर सकता है, अजीबो गरीब गैजेट का यूज करके बड़ी से बड़ी ट्रिक लगाकर वो कुछ भी हैक करने की पूरी कोशिश करता है। क्या आपके इनकम टैक्स के पोर्टल को लेकर ऐसा कोई इश्यू आपके साथ हो रहा है? आपको डर लगा रहता है कि मेरे आईडी पासवर्ड का यूज करके कोई भी मेरे पोर्टल को हैक कर सकता है, मेरी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है, या मेरे पासवर्ड को, मेरी आईडी को रीसेट कर सकता है? तो आज के बाद डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि आपके इनकम टैक्स के पोर्टल को कोई हैक नहीं कर पाएगा, आपके आईडी पासवर्ड का यूज करके कोई उसे रीसेट नहीं कर पाएगा। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर अनाउंस कर दीजिए कि मेरे आईडी पासवर्ड को कोई लीक करके दिखाए, मेरे आईडी पासवर्ड से कोई मेरे आईडी पासवर्ड को फॉरगेट करके दिखाए, मेरे आईडी पासवर्ड का यूज करके कोई मेरी इंफॉर्मेशन को लीक करके दिखाए। आज के बाद सारा कंट्रोल सिर्फ इस मोबाइल से होगा। इस मोबाइल की हेल्प से एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी कि आपके इनकम टैक्स के आईडी पासवर्ड को कोई छू भी नहीं सकता। अगर उसके पास आपका आईडी पासवर्ड है तो उसे कोई फॉरगेट नहीं कर पाएगा, लीक नहीं कर पाएगा, लॉगिन तक भी नहीं कर पाएगा। आज के बाद बेचिंत हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। आज के बाद आपको कोई भी आईडी पासवर्ड की टेंशन नहीं रहेगी कि कोई उसे चोरी कर सके और आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सके। आज सब कुछ जानेंगे, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑन कर रखा है और फटाफट से आज हम इसके ऊपर एक ऐसी सेटिंग करने जा रहे हैं जिससे आपका ये आईडी पासवर्ड कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो फटाफट से चलते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे यहां पर प्रोफाइल में, ये ऊपर आपका यहां पर साइड में देखिए, यहां पर ये लिखा है माई प्रोफाइल। इस माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे आप आएंगे, यहां पर लिखा हुआ ई फाइलिंग वैलेट हाई सिक्योरिटी, इस पर फटाफट से क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहां पर आपका दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ई फाइलिंग वैलेट हाई सिक्योरिटी, और इसके बाद यहां पर हम यूज करेंगे और ओके कर देंगे। यहां पर लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं, यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, जो मोबाइल नंबर आपका आधार के साथ लिंक है उस पर हम क्लिक करेंगे पहले इस ऑप्शन पर और ओके कर देंगे। उसके बाद यहां पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम यहां पर डालेंगे अपने मोबाइल के अंदर, हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम जनरेट करेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसीजर है ये आपका पोर्टल कोई लॉगिन ना कर पाए, ये उससे बचाने के लिए किया जा रहा है। विदाउट ओटीपी आपका पोर्टल कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फटाफट से इसमें डाल देंगे। हमारे मोबाइल के ऊपर देखिए, मोबाइल के ऊपर ओटीपी आने वाला है और मोबाइल पर ओटीपी आएगा, मतलब विदाउट ओटीपी कोई हमारा पोर्टल को लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो फटाफट से इसमें ओटीपी हमारा आ रहा है, उसमें हम डाल देते हैं। उसके बाद वैलिडेट करेंगे और यहां लिखा है आधार ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल, ओके कर देंगे। उसके बाद सेकंड, मेरा ये तो था लॉगिन के लिए, कोई मेरा लॉगिन ना कर पाए। उसके बाद है सेट हायर सिक्योरिटी फॉर पासवर्ड रीसेट, आपका कोई पासवर्ड भी रीसेट ना कर पाए उसके लिए भी यूजिंग हायर सिक्योरिटी लगा देंगे यहां पर, ठीक है जी। ये यहां पर लिखा हुआ है यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, जो आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर क्लिक करेंगे, यहां पर टिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद यहां पर भी जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू और आई एग्री जनरेट आधार ओटीपी। ये देखिए दोस्तों, इस पे ओटीपी आ गया है, फटाफट टाइप करते हैं 781124, उसके बाद यहां से वैलिडेट, ये लीजिए आधार ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल, ओके करते हैं। अब उसके बाद फटाफट से हम क्या करेंगे, यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारे दोनों हो गए हैं, लॉगिन वाला आधार ओटीपी भी हो चुका है और पासवर्ड रीसेट वाला ओटीपी भी हमारा आ चुका है। तो फटाफट से हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां लिखा है योर हायर सिक्योरिटी ऑप्शन हैव बीन अनेबल्ड सक्सेसफुली एंड द ट्रांजेक्शन आईडी ये है, ठीक है। गो टू डैशबोर्ड पर जाइए। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसे लॉग आउट करता हूं और फटाफट से लॉगिन करता हूं। मान लीजिए मेरा आईडी पासवर्ड किसी अननोन पर्सन के पास है या नोन पर्सन के पास है, मेरी परमिशन के बिना वो इसे ओपन कर रहा है, तो चलिए इसे देखते हैं ओपन करके। उसके बाद यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां टिक पासवर्ड, उसके बाद यहां पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए, अभी ओटीपी मांग रहा है, पहले नहीं मांग रहा था लॉगिन करने पे, अब मांग रहा है। तो यही चीज हमें यूनिक बनाती है, हमारे आईडी पासवर्ड को कोई भी हमारी परमिशन के बिना छू नहीं सकता। दोस्तों ये ट्रिक जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।